हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बेसिक फंडामेंटल की सीरीज में। और आज हम लेक्चर नंबर 5 यूनिकैमरिकल एंड बाइकैमरिकल लेजिस्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, एज आई टोल्ड यू प्रीवियस, ऑर्गन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हमने देखा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके कितने ऑर्गन होते हैं? 3। कौन से? लेजिस्लेचर, एक होता है आपका एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका जुडिशरी। मैंने आपको बताया था कि जो लेजिस्लेचर होता है उसका वर्ड क्या होता है? लॉ मेकिंग, इट मींस कानून बनाना। और आपकी जो लेजिस्लेचर होती है वो कहाँ कानून बनाती है? स्टेट लेजिस्लेटिव में कानून को बनाती है, ठीक है। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उसमें आपके कौन आते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और गाइस, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो आपकी हर स्टेट में पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो आपकी कुछ ही स्टेट्स में मिलती है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिस स्टेट में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिकैमरिकल लेजिस्लेचर। क्या कहते हैं? यूनिकैमरिकल लेजिस्लेचर। और जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइकैमरिकल लेजिस्लेचर। सो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली जो लेजिस्लेटिव होते हैं उसके दो हाउसेज होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव कितने होते हैं? दो। एक होते हैं आपके यूनिकैमरिकल, यूनिकैमरल एंड बाई कैमरल, ठीक है। तो जिस स्टेट में ओनली वन लेजिस्लेटिव, जिस स्टेट में सिर्फ की सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल, ठीक है। आप इसे डेट समझ सकते हो। यूनि मतलब वन, क्या होता है? वन। जिसमें ओनली वन हाउस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल। और जिसमें बाय मतलब टू, और जिसमें दो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? बाइकैमरल लेजिस्लेटिव। ओके गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टेट है, ठीक है, अगर हम बात करें स्टेट की, तो जो स्टेट है वो क्या आपकी दो तरीके से, एक क्या आपकी यूनिकैमरल और बाइकैमरल, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें तो आपकी क्या है? यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यूनिकैमरल में क्या होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों आपके क्या होंगे? मौजूद होंगे, ठीक है, दोनों अवेलेबल होंगे, है ना। और मतलब कि आपकी ओनली सिक्स स्टेट, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ की सिर्फ ओनली सिक्स स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है, वो क्या आपका? उत्तर प्रदेश। कौन से स्टेट है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और आपका है कर्नाटक के बाद है आपका तेलंगाना के बाद है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? स्टेट्स है, ठीक है। तो कर्नाटक हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। तो आपकी ये सिक्स स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों क्या है? अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कितने में से आपकी 28 स्टेट्स में से, ठीक है, और बाकी की जो स्टेट्स हैं वहां पर क्या है? आपकी यूनिकैमरल है। ओके, सो इसमें हमने क्या डिस्कस किया? इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया यूनिकैमरल और बाइकैमरल के बारे में, कि यूनिकैमरल किसे कहते हैं और बाइकैमरल किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया जहां पर ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस स्टेट में ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिकैमरल कहेंगे। और जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों अवेलेबल होंगी वहां उस स्टेट को हम क्या बोलेंगे? बाइकैमरल।
तो मैंने आपको बता दी 6 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि क्या है बाइकैमरल है। कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिल और आपकी तेलंगाना। ठीक है, तमिलनाडु नहीं है, तेलंगाना है। तो आई होप आपको आप कहते यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में समझ आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।